सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। आज हम ये वाली वीडियो का ट्यूटोरियल काइन मास्टर सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं वीएन से बनाता तो वीएन में आपको ये वाले इफेक्ट नहीं मिलते जो आपको काइन मास्टर में मिल जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको काइन मास्टर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको भी ये वाला काइन मास्टर चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इंस्टाग्राम पे ये वाले काइन मास्टर का लिंक सेंड कर दूंगा। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं और आपको वीडियो पे देखने को वाटरमार्क भी नहीं मिलता। अब आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करना है। सेकंड वाला साइज लेके आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फोटो लेने हैं पांच फोटो। ऐड करने से पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर आप सेटिंग वाला ऑप्शन देख रहे हो, एडिटिंग पर क्लिक करके, और आपको इसका साइज रखना है इतना। आप देखिए, ये जो नीचे वाला है ना, आपको इस पर फिल में रखना है, फिल स्क्रीन। बाकी आपको इस साइज को रखना है 2.3। ये देख रहे हो आप, 2 के बाद जो छोटे छोटे पॉइंट हैं 2.1, 2, 3, आपको इतना रखना है 2.3 पर। बैक करना है और यहाँ से आपको अपने पांच फ़ोटो ले लेने हैं पहले। जैसे मैं यहाँ से पांच फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पर पांच फ़ोटो ऐड कर लिए हैं। अब आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपको एक वीडियो ले लेनी है। ये हमें इस वीडियो का सिर्फ म्यूज़िक चाहिए, ठीक है, ब्लैक वीडियो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक्सट्रेड ऑडियो कर देना है। फिर आपको ये वाली वीडियो साइड से डिलीट कर देनी है, ठीक है। इसका ऑडियो लग गया। अब आपके जहाँ से फ़ोटो ख़त्म हो आपको यहाँ पर आ जाना है। फिर से आपको मीडिया पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना है, एडिटिंग पर जाना है। अब आपको इसका साइज़ रखना है यहाँ पर, बिल्कुल शुरू में आ जाना है, बिल्कुल शुरू में आपको, ठीक है। बैक करके यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके, अब गाइस यहाँ से आपको अपने 16 फ़ोटो ऐड करने हैं। अगर आपके पास इतने सारे फ़ोटो नहीं होते तो आप अपने फ़ोटो डबल डबल भी ले सकते हो। सो गाइस, जैसे मैं यहाँ पर 16 फ़ोटो ऐड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। अब इसमें हमें 18 फ़ोटो ऐड और करने होंगे। अगर आप इतनी छोटी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इतने भी ले सकते हो। अगर आपको फुल म्यूज़िक पर वीडियो बनानी है तो आपको इसमें 18 फ़ोटो ऐड करने और होंगे। आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ से आपको एडिटिंग पे जाना है और आपको इसका साइज़ रखना है 0 पॉइंट पर। या आप बीच में पॉइंट देख रहे हो, 0-5 के बीच में आपको इस पॉइंट पर रखना है। बैक करना है मीडिया पे जाकर और यहाँ से आपको अपने 18 फ़ोटो ऐड और कर लेने हैं। सो गाइस, देख सकते हो मैं यहाँ पे 18 फ़ोटो ऐड और कर चुका हूँ। ये हमारा लास्ट वाला फ़ोटो थोड़ा सा बढ़ती है, जूम करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। म्यूज़िक के आखिर में पहुँच जाता हूँ और ये फ़ोटो को मैं इस तरीके से सरका के छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फिर गाइस, आपको इसमें इफेक्ट लगाने, इफेक्ट आपको कौन से फ़ोटो में लगाने हैं, कौन से में नहीं लगाने हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बस आप वीडियो को आराम से देखते रहिए। मैं पहले इसकी जूम आउट थोड़ी सी जूम कम कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपके जो गाइस शुरू के जो पांच फ़ोटो रहेंगे ना आपके, आपको इसमें एक इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है कॉल मी डीजे का 2 नंबर का। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस फ़ोटो पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉल मी डीजे में जाना है। कॉल मी डीजे का आपको 2 नंबर का लगाना है। गाइस, अगर आपके फ़ोन में ये वाले इफेक्ट नहीं आते, मैं आपको दिखाता हूँ कॉल मी डीजे वगैरह के, हॉलैंड पार्टी के, तो गाइस आपको ये काइन मास्टर में नहीं मिलते। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, जिसका नाम है बीट सिंक ऐप। उससे आप आसानी से काइन मास्टर में बहुत सारे इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर गाइस उसको ऊपर आपको एक वीडियो देखनी, छोटी सी मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि काइन मास्टर में इफेक्ट ऐड कैसे करें बहुत आसान तरीके से। मैंने उसमें आपको सब कुछ बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपके फ़ोन में पहले से इफेक्ट है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। आपको शुरू के फ़ोटो में, शुरू के पांच फ़ोटो में ये कॉल मी डीजे का 2 नंबर का लगाना है। सो गाइस, जैसे मैं पांच फ़ोटो में कॉल मी डीजे का 2 नंबर का लगा चुका हूँ, ठीक है। अब गाइस आपको यहाँ पर आगे चले जाना है, जहाँ पर आपके छोटे छोटे फ़ोटो हैं ना, आपको इन्हें छोड़ देना है 16 फ़ोटोज़ को। जहाँ से बड़े फ़ोटो स्टार्ट है आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी जूम कर लेनी इस तरीके से,
इस तरीके से आप जूम कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है हॉलैंड पार्टी का 10 नंबर का, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, शुरू के जो लास्ट के जो 18 फोटो है हमें इसमें लगाना है सेम इफेक्ट। क्लिप ग्राफिक्स में जाके हॉलैंड पार्टी में जाके यहाँ पर आपको इसका 10 नंबर का लगाना है। ये इफेक्ट भी आप कॉल उससे बीट सिंह ऐप से ऐड कर सकते हो, राइट कर देना है। फिर से आपको सेकंड फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से हॉलैंड पार्टी का आपको 10 नंबर का लगा लेना है। यानी कि जितने भी लास्ट के आपके 18 फोटो हैं सबको आपने इसमें सेम इफेक्ट लगाना है हॉलैंड पार्टी का 10 नंबर का। सो गाइस, इसमें लास्ट के 18 फोटो में हॉलैंड पार्टी का 10 नंबर का इफेक्ट लगा चुका हूँ। अब आपको गाइस पीछे आना है, आपको यहाँ पर आना है जहाँ पर आपके छोटे छोटे फ़ोटो शुरू होते हैं, आपको इस बड़े फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप छोटे फ़ोटो के स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे। अब आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको एक वीडियो लगानी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्लैक वाली वीडियो है ये। आपको कैंची वर में ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फिर यहाँ से आपको राइट कर देना है। फिर आपको दोबारा इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आना है नीचे ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद गाइस आपको इसे मल्टीप्लाई पे कर देना है, मल्टीप्लाई लिखा है ठीक है, और राइट कर देना है। अब गाइस आपको आगे जाना है, आगे जाने से पहले गाइस आपको यहाँ पर आना है जो बड़ा फ़ोटो आपका शुरू होता है, आपको इसके शुरू में आना है, यानी कि हमारे छोटे फ़ोटो के एंड में आना है। फिर से आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देना है। यानी कि जो हमें वीडियो टेम्पलेट बस हमें अपने छोटे छोटे फ़ोटो पर लगाना है ठीक है। फिर आपको शुरू में आ जाना है, आपको एक वीडियो और लगानी पड़ेगी लास्ट। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक कलर वाली वीडियो लगानी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैंची और अनमा ऑप्शन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है यहाँ से। फिर आपको इस वीडियो पे दोबारा क्लिक करना है, आपको नीचे आना है ब्लेंडिंग पर और यहाँ से आपको इसे सेकंड नंबर पर कर देना है ओवरले पे, और इसकी ओपेसिटी आपको 50 के आसपास कर देनी है, जैसे मैंने 50 कर दिए, और राइट करके आपको आगे चलना है। अब गाइस ये वीडियो टेम्पलेट छोटी है तो हमें इसे बड़ी करनी है, पूरी वीडियो में लगानी है। तो आपको इस वीडियो इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है, उप साइड में 3 डॉट पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर लेना है, इसके डबल वीडियो हो जाएगी। आपको एक वीडियो पे प्रेस करके हाथ रख के इसे पीछे को कर देना है, बिल्कुल लास्ट तक ले जाना है ठीक है। अब आपको इसके मतलब यहाँ से हमारी वीडियो ख़त्म होएगी, आपको नीचे वाली वीडियो इसके स्टार्टिंग से रख देनी है, इसके एंड में रख देनी इस तरीके से। फिर आपको आगे देखना है कि आपकी पूरी वीडियो में लग गई या नहीं। अभी गाइस थोड़ी सी कम और रह गई है तो मैं दोबारा इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं पीछे रख देता हूँ, इस तरीके से पीछे ले जाता हूँ पूरा ठीक है हाथ से। और मैं देखता हूँ कितनी कम पड़ रही है, मैं और पीछे लेके जाता हूँ अभी ठीक है। और अभी देख सकते हो आप यहाँ तक आ चुकी है एंड तक, मैं थोड़ी सी पीछे और कर देता हूँ। आप देखते हो अब ये आपकी बढ़ती वीडियो आप डिलीट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मेन पार्ट होता है ऊपर का होता है ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस देखा आपने कितनी प्यारी वीडियो लग रही है। गाइस काइन मास्टर में थोड़ी वीडियो हैंग से चल रही है, मगर आप वीडियो सेव कर लोगे आपकी वीडियो बहुत अच्छी चलेगी। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।